आजकल लोकसभा के चुनाव अभियान जोर पकड़ रहा है और हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश के साथ कांग्रेस के प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और जो हमारे कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो 5 नए वायदे लोगों को किए हैं उस पर भी प्रचार जो है जोरों पर है, जन जन तक बात पहुंचाई जा रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंडी के पटेल मैदान में उन्हें जनसभा को संबोधित किया और हमें खुद इस बात का है कि हिमाचल में आए स्वागत है, लेकिन कम से कम इस देवभूमि में आकर के झूठ ना बोलें, गलत बयानी ना करें, लोगों को गुमराह ना करें। उन्होंने कहा कि हमने हजारों करोड़ रुपया NDRF का SDRF का जो है आपदा का हिमाचल सरकार को दिया है और हिमाचल सरकार ने इसके बंदरबांट की है और हम की जांच करवाएंगे। हम मोदी जी को चुनौती देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जांच कराएं और लगता है कि मोदी जी ने जो अपने गृह मंत्री हैं उनसे पूछा नहीं कि कितना पैसा आपदा का NDRF का SDRF का प्रदेश सरकार को दिया है। मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ष जो पीछे बाढ़ आई, जो बरसात नुकसान हुआ है, उसमें सिर्फ 300 करोड़ रुपया ही केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया है, जबकि हमने 12,000 करोड़ के नुकसान का बाकायदा पूरी डिटेल केंद्र सरकार को भेजी थी और विधानसभा से प्रस्ताव पास किया था कि जो ये आपदा पीछे जुलाई में 2023 में भी कई पुल बह गए, 600-700 लोगों की जान चले गई, हजारों घर बह गए और मुख्यमंत्री प्रस्ताव विधानसभा का प्रस्ताव लेकर दिल्ली गए कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ना इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और ना ही प्रदेश सरकार को NDRF और SDRF का जो है सिर्फ 300 करोड़ के अलावा कुछ नहीं दिया। और मैं राजस्व मंत्री भी रहा हूँ, ये जो 300 करोड़ आया है ये तो जब बाढ़ भी ना आती, बारिश भी ना पड़ते, तब भी रूटीन में मिलना था, स्टेटों को मिलता है। तो मोदी जी मैं समझता हूँ वो तैयारी करके नहीं आते। और फिर मोदी जी ने ये कहा कि देखो हमने रोहतांग टनल बनाई है, मैंने उसका उद्घाटन किया है। ये ठीक है, उद्घाटन किया, हम इसका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, लेकिन मोदी जी को ये भी पता होना चाहिए कि इस टनल का शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था और मैं मौके पर मौजूद था, वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे और हमारे धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, छोलंग नाला में फिर उसकी जनसभा हुई और उसमें बड़े सब सबका हाथ था कि 1720 करोड़ रुपया उस टनल के लिए UPA की मनमोहन सरकार ने उसके लिए मंजूर कर दिया था, उसका टाइम पीरियड भी निर्धारित कर दिया था कि 4 साल के अंदर नहीं है। और ये ठीक है, थोड़ा पैसा उसको पूरा करने के लिए NDA सरकार ने दिया होगा, लेकिन ये कहना कि अटल टनल जो है NDA ने बनाई है, मोदी जी ने बनाई है, सरासर गलत है।